चेस्ट पेन का एक इम्पोर्टेंट और कॉमन कारण रहता है मायोकार्डियल ब्रिज। मायोकार्डियल ब्रिज का मतलब है कि नॉर्मली हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, वो हार्ट के ऊपर की तरफ रहती हैं। और मायोकार्डियल ब्रिज में क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट के ऊपर की तरफ रहती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस के लिए वो नीचे मसल्स में चली जाती है और फिर वापस सरफेस पे आ जाती है। तो जो पार्ट मसल्स के अंदर चला गया उसको ब्रिज बोलते हैं, मायोकार्डियल ब्रिज बोलते हैं। तो इसमें जैसे हार्ट कॉन्ट्रेक्शन करेगा, सिस्टोल के टाइम में जब हार्ट कॉन्ट्रेक्शन करता है तो वो जो कोरोनरी आर्टरी है वो भी सिकुड़ जाएगी, उसमें भी दबाव पड़ेगा। और जैसे ही हार्ट रिलैक्स रहता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है। मायोकार्डियल ब्रिज है जो एलएडी आर्टरी है आपकी, लेफ्ट एंड्रियर डिसेंडिंग आर्टरी है, उसको मेनली इन्वॉल्व करता है। मायोकार्डियल ब्रिज होने से आपको क्या चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या आपकी धड़कन कम ज्यादा हो सकती है। और मेनली ये जब आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, जब भी होता है, रेस्ट के टाइम पे आपको ये सिम्टम्स नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे ही आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, तो मायोकार्डियल जो ब्रिज वाला पार्ट है उस पर दबाव ज्यादा होता है और आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसमें जैसे आप टेस्ट करवाते हो तो आपका ईसीजी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी, इको भी आपका नॉर्मल आएगा, लेकिन जैसे एंजियोग्राफी आप करवाओगे तो एंजियो में इसका पता लग जाता है। क्योंकि जैसे एंजियो करते हैं तो जैसे हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रहेगा, हार्ट पंपिंग करता है, उस टाइम पे एंजियो में आपकी नस एकदम पतली दिखेगी, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स रहता है उस टाइम एंजियो में आपकी जो नस है वो नॉर्मल शेप में दिख जाएगी। तो एंजियोग्राफी से पता चल जाता है कि मायोकार्डियल ब्रिज है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए ज़्यादातर लोगों में इसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम भी नहीं आते और पूरी लाइफ उनकी ऐसे ही निकल जाती है, उनको पता भी नहीं रहता है कि उनके मायोकार्डियल ब्रिज था। लेकिन जब इसके सिम्टम आने लग जाते हैं तो इसमें सबसे बढ़िया ड्रग रहती है बीटा ब्लॉकर, जो आपके हार्ट रेट को कम करेगी, हार्ट के जो फोर्स है, जो पंपिंग का फोर्स है उसको कम करेगी, ताकि उस नस पे ज़्यादा दबाव न पड़े और आपको रिलीफ मिल जाए। दूसरी जो मेडिसिन रहती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहती है, यानी वो जो आर्टरी रहती है उसको थोड़ा डायलेट करती हैं और आपको रिलीफ देती हैं। इसके साथ में मायोकार्डियल जो ब्रिज है वो उसके जो पास का पार्ट रहता है उसमें प्लाक बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो आपको एस्प्रिन जो खून पतला करने की मेडिसिन, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन स्टेटिन है, वो भी दी जा सकती है। यदि आपको मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता है तो इसमें सर्जरी की जाती है, जिसमें जो ब्रिज वाला पार्ट है उसके ऊपर की जो मसल्स है उसको काट के हटा देते हैं, जिसको मायोटोमी बोलते हैं, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट किया जाता है। मायोकार्डियल ब्रिज एक ऐसा कारण है जिसमें आपको ब्लॉकेज नहीं है, कोरोनरी आर्टरी आपकी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी चेस्ट पेन हो सकता है।